स्वागत है दोस्तों आप लोगों का एक और नई वीडियो में। और इस वीडियो में दोस्तों आप देखेंगे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे में जो अपना 59 किलोमीटर की जो फर्स्ट पैकेज है महारानी बाग डीएनडी से लेकर अपना सोहना तक, तो इस पैकेज में दोस्तों काफ़ी टाइम लग रहा है। तो वो टाइम क्यों लग रहा है, क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानियाँ हैं, तो ये टाइम से पहले बन जाएगा या टाइम से बाद में, तो ये NHAI की तरफ से कुछ लोग आए हुए थे, तो उनमें से एक सर जो हैं ये कार के अंदर बैठे हुए हैं, तो हम इनसे बात करते हैं और देखते हैं सर क्या बताते हैं कि मतलब कब तक होगा, क्या कैसे होगा, पूरी जानकारी लेंगे इनसे। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहना बिना स्किप किए हुए। कोशिश चल रही है जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो जाए। तो ये मतलब 9 किलोमीटर का इधर का आपके अंडर में ही मतलब NHAI के किलोमीटर का नहीं, हम लोग का 3 पैकेज में डिवाइड है। फर्स्ट वाला है वो 9 किलोमीटर का, दूसरा वाला थोड़ा ज़्यादा किलोमीटर का, वो अराउंड है 33। वो कहाँ से कहाँ तक का है? चालू हो जाएगा बंदी? चालू की क्या है मैं आपको बताऊं, चालू कंफर्म नहीं कर सकते हैं। आपका जो 33 to 38 है मतलब अब वो कौन सा गांव पड़ेगा, गांव तो मुझे नहीं पता, वो हम लोगों ने टाइम से पहले ही क्लियर कर दिया। फरीदाबाद की साइड सोहना की साइड, वो हमने टाइम से पहले ही कंप्लीट कर दिया। वो मतलब उसका जो टाइम था वो था August 2023। हाँ, और इसका दो मतलब इसका 59 किलोमीटर का जो है तक का है, तो ये भी अगर पॉसिबल चांसेस होगा तो अक्टूबर नवंबर तक ये भी खत्म कर देंगे। अगले अक्टूबर नवंबर मतलब 2024 में मतलब 25 के स्टार्ट हो जाएगा, 24 में ही स्टार्ट हो जाएगा, 24 में स्टार्ट हो जाएगा, जनवरी में शायद आपको ये आप इस पर चलेंगे। चलिए ठीक है सर, पॉसिबल चांसेस तो यही है, क्योंकि कोशिश ये यहाँ पे क्या हिंड्रेंसेस बहुत ज़्यादा है, जैसे यूटिलिटीज वगैरह हो गया। और क्या है यहाँ पे देखिए क्या होता है ना, प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है अगर उसकी ज़रा भी वो कोई हिंड्रेंस प्रोवाइड ना किया जाए। हिंड्रेंस यहाँ पे काफ़ी सारे हैं, जैसे MCF वालों की काफ़ी सारे दिक्कतें हैं, है ना, कुछ यूटिलिटीज़ हैं जो नीचे जो आ रही हैं वो इतनी ज़्यादा हैं, जैसे हम लोग सोचते हैं एक ही पाइप आ रहा है नीचे, और पता चलता है वहाँ पर थोड़ा सा एक्सीवेशन किया वहाँ पर 4-4 पाइप निकल आए, ये प्रोजेक्ट को लेट कर देता है। ये जो और भी पाइप वगैरह डले होते हैं और भी कनेक्शन सीवर के या कुछ सीवर्स के हैं, कुछ यहाँ पर यूटिलिटी जो इलेक्ट्रिकल केबल्स भी है, एयरटेल केबल भी ऐसी नहीं थी, ये थोड़ा बहुत महीन काम है ना, थोड़ी भी गलती और हमारे लिए बड़ा वो हो जाता है इशू। अगर थोड़ा 33 kV की लाइन है, मेरी मशीन सारी लोहे की है, अगर उसमें ज़रा टच हुआ और उसमें कुछ हो गया तो पूरी मशीन जाएगी और उसके साथ ऑपरेटर भी जाएगा, तो बड़ा कंसाइज है, मतलब बहुत बहुत कॉन्शियस रहना पड़ता है इस चीज़ के लिए, तो इस वजह से थोड़ा सा यहाँ के सेक्शन में दिक्कत है बस, जो है ना ये मेन। हाँ, मेन टाइम इसमें लग भी रहा है, बाकी अगर हम देखें तो पहले जो डेट दिया हुआ था उससे पहले ही बन गया है, उससे काफ़ी तेज़ी में काम हुआ है। देखो जो आपका ये है अपना खेड़ी पुल से जो आगे है वो तो आपको अभी हाँ उस साइड का तो वो जून में मान लो जून तक कंप्लीट, हाँ उस साइड का बन भी गया है, जैसे हम खेड़ी पुल से हम इधर आते हैं बदरपुर की साइड, वो आने का तो उधर का बन भी गया है। यहाँ पे थोड़ा सा इशू है क्योंकि यहाँ पे ये हिंड्रेंसेस कुछ ज्यादा है, मतलब जैसे मान लो ये भी इलेक्ट्रिक पोल जा रहे हैं और जमीन के नीचे से नेटवर्क वाला वायर जा रहा होगा, लाइन है 33 kV की 55 kV की। अच्छा, इलेक्ट्रिक मतलब वायर नीचे भी है? नीचे भी है, वो हमें खोदते हैं तब पता चल रहा है, अब उसमें अगर कुछ हो गया तो बड़ा दिक्कत हो जाती है। अच्छा, फिर यहाँ पे अडानी गैस की पाइपलाइन है जिसमें 20 dB का प्रेशर है। हाँ, ये जो गैस लाइन जा रही है और वो 20 dB का प्रेशर मतलब 20,000 पास्कल का प्रेशर है, वो गलती से भी फूट गया तो ये मानिए आधा का आधा एरिया खराब हो जाएगा, किसी ने कुछ भी कर दिया, इतना बड़ा रिस्क है वो कि आप पूछे मत, इतना वो के लिए बहुत कॉन्शियस रहना पड़ता है ये करने, इस वजह से यहाँ का थोड़ा सा लेट हो रहा है। खेड़ी पुल से आगे आपको जून तक कम्प्लीट, हाँ उधर का हो जाएगा, हाँ जून जुलाई तक। चलिए ठीक है सर, थैंक यू, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। NKM के नाम से एक बार आप चैनल सर्च करना, अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कर लेना, नहीं तो सर आपके ऊपर है आप। ठीक है सर, तो दोस्तों ये थी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के वर्क अपडेट से जुड़ी हुई थोड़ी सी जानकारी, जो कि काफ़ी अच्छी जानकारी थी, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है और शायद आपको भी आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ।
सब्सक्राइब कर दो, और सब्सक्राइब करने से आपका ही फ़ायदा है, आपको हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो सबसे पहले मिलेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।